गुड आफ्टरनून जय श्री कृष्णा, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो ये देखिए वीरा जा गया है ब्रश करके, अभी उसका वेकेशन वापस ईद का चल रहा है। ईद चली गई है और वीराज का वेकेशन ख़त्म होगा संडे से, बाद में मंडे से स्कूल स्टार्ट होगी। तो अभी भी 4 days है ना, 4 days आज, 4 days ना, अभी भी 4 days है। और हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी अंकित के हाथ में है चाय, मैंने चाय पी ली है। ईद की छुट्टी, ये टाइम बहुत लंबी है आई है, पर अंकित का अभी 2-3 दिन तो नहीं है। अंकित का तो 8 वक्त फ्राइडे सैटरडे संडे से लेके अगेन संडे तक, मतलब तो ऐसे वीराज को बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए मौज कर रहा है, उसका ट्यूशन भी सुबह रहता है तो कभी उठता है कभी नहीं उठता है। और अंकित की ड्यूटी टाइट हो गई है एकदम। अंकित हम हार्ड वर्किंग हो गए हैं अभी 2-3 वीक से, उसमें बीच में कभी कभी टाइम मिल जाता है। तो अभी देखो सीए भाई हमारे जिग्नेश भाई के घर पे जब भी था तभी भी रात को 12:30 बजे आए। बाद में कल हम लोग गए थे जिगा के घर पे, सारजा गए थे वापस, कल सब लोग वापस बोला कि चलो जाते हैं। तो जयू भाई, नीतू भाई, सब लोग हम लोग मिल के सब लोग गए थे। तो हम माँ बेटे भी चले गए, वो बोल रहे मेरी वजह से आप लोग क्यों घर पे बैठे रहते हो, जाओ एंजॉय करो। तो हम लोग सब लोग चले गए थे ना, वीराज भी, प्रियांक भाई आया था। तो बहुत तो अभी हम लोग भी दे रहा सीधी पापा को पूछा भी ना जाएंगे तो कैसे पापा पापा पापा। पर देरा सिटी तो तूने एक कुछ भी नहीं लेने दिया था, एक चीज भी क्या, किधर खड़ा रहने दिया था तू? कहीं पर भी खड़ा रहने देता है मुझे? हम है ना मॉल में जाते हैं तो वीरा मुझे एक भी चीज मुझे हाथ नहीं लगाने देता है। तो मैं क्या करूं, मैं ऐसे ही घूम के आ जाती हूं, मुझे कुछ लेने ही नहीं देता है। बाद में मूड ही ऑफ हो जाता है तो कुछ माइंड में ही नहीं आता है, चलो घर पे ही चले जाते हैं। तो अंकित अभी तो कितने दिन से वीरा मना किस भी नहीं खाया ना हमने केयर फोर से। चलिए अभी कुछ करेंगे आजकल, हमूस खबूस तो हम वहाँ से खाएंगे, हम आरुष दमस्त तो आजा जाऊँ क्या? ना पापा नाइट शिफ्ट, आज ही अंकित की नाइट शिफ्ट। चलिए अभी मैं बैंगन आलू की सब्जी और रोटी बना लेती हूँ और बाद में खाना खा लेंगे, बाद में सोचेंगे क्या करेंगे आज। मैं सोच रही हूँ कि मैंगो लेके आते हैं, आप घर पे हो ना, तो खत्म हुई है तो अभी देखते हैं अंकित का मूड होगा तो चलेंगे मेरे साथ। तो चलिए अभी तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में और व्लॉग को एंड तक देखना और पहले आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना हमारे व्लॉग में। तो लंच बन गया है और खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ही देखिए बहुत ही है तो गर्मी हो रही है अभी खाना बनाते हुए। और यहाँ पर है सब्जी बैंगन आलू की और यहाँ सलाद काटा है मैंने, रोटी छाछ, तो यहाँ पर प्लेटें पड़ी हैं। तो चलिए लंच कर लेते हैं, भूख बहुत ही लगी है। वीराज को नहीं लगी है क्या? तो आ जाना भाई, वीराज एकदम लेजी हो, स्कूल नहीं जाता है ना तो घर में पड़ा है ना। चल आ जा, चलो चलिए सब लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए और आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए हमारे साथ। और आप लोग ने तो कर लिया होगा लंच। चलिए देखिए आज वापस बारिश आई, हम लोग अभी निकले हैं थोड़ी देर बाहर सन एंड शन में वीराज के लिए शूज लेने। और यहाँ पर वीराज ने देखिए चाय ले ली है, दोनों चाय पी रहे हैं। आज हाँ, थोड़ा मम्मी का मूड, थोड़ी थकी है मम्मी, इसलिए मम्मी थक गई है थोड़ी, लगता है वापस बारिश आने वाली है जोर शोर से, अभी छींटे आए थे। अभी हम विराज के शूज लेने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ये रन के आगे आ गया, चाय पी लो। अच्छी लग रही है चाय વીરુ, ઈવાડું બહુ દૂર થઈ જાય, ઈવાડું તને આખું આમ ફરીને આવવું પડે,
અહીંયાથી જ આવી જવાય ને આપણે કહી દઈશ. फिर हमने ये चूज किया था ना एक बार आए तभी. हाँ, ये तो फिरज ये वाला देखो ये अच्छा है. પંખી લાગે ને પહેરીને જો વિરાજ પહેરવા છે વીરુ વહા પર બહુ છોટે બચ્ચો કા લગ રહા હે વીરુ એકદમ છોટે છોટે બચ્ચો કા યે દેખ વાવ વીરુ જીમ કર એને પસંદ તો આવવા જોઈએ ને પણ કયા લેવા બોયઝ ના ખાલી બોયઝ ના નથી લાગતા મિક્સ લાગે છોકરીઓના ને બેવ ચૈત્રી નવરાત્રીનો 4 ડેઝ આજે ચોથું નવરું ચાલુ છે ને આજ છે ચોથું નોરતું તો હમ વ્લોગિંગ અભી 7:30 બજે કર રહે ઓર વ્લોગ હમ કન્ટિન્યુ કરેંગે કલ વાલા હી તો અભી હમ સબ જા રહે કલ સનેશન મેં કુછ ભી કામ નહીં હુઆ હમારા ઓર અભી જા રહે બુરજુમાન તો દેખીએ અભી ઇસકી પ્રિપેરેશન કર રહે હમ બર્થડે કી तो हमारे लिए कपड़े लेने हैं स्कूल की भी प्रिपरेशन करनी है उसका कोट वो ब्लेजर लेना है तो बस देखिए सब रेडी हो गए अंकित उठ गए हैं नाइट शिफ्ट करके हेलो हेलो गाइस गुड इवनिंग कैसे हो आप सब लोग आज थी कल थी नाइट शिफ्ट अभी नहीं है ना मतलब कल नहीं जाना है कल भी छुट्टी है कल भी अभी संडे को जाना है हाँ तो बस अभी 2 दिन है तो देखेंगे कुछ शॉपिंग जितनी हो पाएगी उतनी करेंगे आज भी देखते हैं एक बार में तो कुछ पसंद नहीं आता है इसलिए घूमना पड़ता है हमें चलिए तो अभी जाते हैं बुरजुमान आज पूरा दिन सब लोग अंकित का रेस्ट कर रहता है तो हम भी चुपचाप बैठे रहते हैं काम करके तो अभी बस सब लोग तैयार हो गए हैं इसका तो मूड देखते इसका मूड एवरी टाइम ऐसा गंदा ही मूड रहता है मूड अच्छा है बाहर निकलने के बाद चलिए हम निकलते हैं अभी A few moments later. हम पहुंच गए हैं बुरजुमान हमें ईद के दिन भी आना था पर बाद में जीगा के घर पे जाने का प्लान हो गया था तो जयू भाई के साथ हम चले गए थे तो कल का व्लॉग आज कंटिन्यू करते हैं हम के यहाँ पर लगाया है ईद का सब कुछ लाइटिंग वाइटिंग पर अभी हम जा रहे हैं बोसिनी में बोशिनी का कपड़ा विराज का लेना है अंकित का मन था कि हम बोशिनी में से कपड़े लेंगे विराज का अभी जा रहे हैं LCY की में बर्थडे का नहीं हुआ है बस ऐसे ही लिया है अभी इसने इसको पसंद आया तो बोल रहा है ये तो लेना ही है मुझे तो ले लिया अभी
अभी यहाँ से देखिए विराज वीरू यहाँ का ये देख बूट ऐसे वाला बूट लेना शूज नहीं लेना ऐसे अंकित ऐसा वाला कुछ यहाँ पर रियल बैटमैन ये देख वहां पे जा तेरे पापा को दिखा ये यहाँ पर ऐसा करता है सब जगह हर एक सब एवेंजर्स के कपड़े पहन के अब निकाल दे छोटा हुआ उसको कुछ बड़ा लाइन सु करवाने क्या रे तार पास पता छोकरा भाग से तो गांडो ना ला के ब्रह्मा जी के क्या ये ऐसे ही टाइम पास हमारा करवाता है ये सब जगह कपड़े उसको कपड़े चेंज तो पहले कपड़े पहन ये सर ये जो देखो ये जींस भी अच्छा है ये जींस और वो शर्ट अच्छा है चलिए अभी विराज का क्या क्या लेते हैं पता नहीं उसको क्या क्या पसंद आएगा वो कुछ और ही दिशा में भाग रहा है तो अभी हम क्या करें हम दोनों बैठे हैं यहाँ पर वो कुछ और ही चीज़ें ले रहा है अभी वो निकालेगा बाद में पता चलेगा वो निकालता भी नहीं है ना बोल रहा है लेके दो मुझे ये वाला विराज आजा अभी बंद कर निकाल वो अभी भी वो घूम रहा है यहाँ पे कोई बोलता नहीं है तो अच्छा है देखो वीरू बता कोई निकाड़वानू के नहीं पहला निकाड़ी दे आओ नो वो ठोकड़ा जो निकाड़ निकाड़ अभी हम लोग डिनर के लिए आ गए हैं अर्बन तड़का में यहाँ पर केक भी मिलती है और यहाँ पर हमारी पानी पूरी आ गई है हमने पहले पानी पूरी मंगवाई और बाद में विराज ने मंगवाया क्या मंगवाया विराज तूने विराज ने शेजवान नूडल्स मंगवाया है मैसूर मसाला डोसा तो पानी पूरी तो आ गई है और इतना कुछ नहीं मंगवाया है अभी बाद में मंगवाएंगे हम इतना मंगवाया है पहले सेव पूरी भी मंगवाई ओके तो यहाँ का फूड भी बहुत ही अच्छा है पूरा वेज है चलिए पहले पानी पूरी खा लेते हैं
1 hour later. तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घर, और घर आके बस थोड़ी देर टीवी देखा और हमने शॉपिंग कर ली। विराज के कपड़े ही हुए हैं शॉपिंग में, दूसरा कुछ नहीं हुआ है। और शूज़ भी लेने थे पर शूज़ भी नहीं मिले हमें, साइज़ ही नहीं मिली है हमें। यहाँ पर गए थे सन एंड शन में भी नहीं मिला, और एडिडास में तो ऑफ़र चल रही है ना, तो इतना बिखरा कर दिया है कि कुछ मिल ही नहीं पाता है उसमें से। आपको जो पसंद आता है ना उसकी साइज कहाँ ढूंढे हम, एक बूट हाथ में आया दूसरा कहाँ है वही नहीं पता है, इतना ढेर कर दिया सब लोग ले रहे हैं ऐसे ही। और वीराज और अंकित की साइज का मिल ही नहीं रहा था, बाद में क्लोज होने वाला था वहाँ से भी आ गए। और बाद में हमने शू मार्ट में देखा, वहाँ पे वीराज को पसंद आया स्नीकर्स, तो वो साइज नहीं मिल रहा था। एक ऑरेंज कलर का तो अच्छा नहीं लगता है। बाद में अंकित बोल रहे चल तुझे जो भी पसंद है वो पसंद कर, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगा, तो वो सब कुछ तो हम उसका देखेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। एक दो जोड़ी, एक तो ये कैचर्स का लेंगे और एक उसको दूसरा स्नीकर्स लेना है। और एडिडास में भी बहुत अच्छे अच्छे थे अभी, पर जो भी देख रहे थे वो उसमें से साइज ही नहीं था विराज का। तो बस आज तो कपड़े लिए हैं हमने, और बाद में विराज बहुत ही थक जाता है, और वो इतना थक जाता था ना ऐसे रोने जैसा मुँह करके, और बाद में हमें परेशान करता है अभी चलो मैं घर चला जाता हूँ मैं थक गया हूँ ऐसा करने लगा है। पर उसमें भी कपड़े जो भी लिए ना उसमें से बर्थडे में पहनने के लिए तो पता नहीं, अभी उसको तो पिकाचू वाली थीम रखनी है, तो उस हिसाब से वो जब लेगा तभी हमारा भी नंबर आएगा कि वो कैसा कपड़ा ले रहा है, उस हिसाब से हम दोनों भी कपड़े लेंगे, या तो सबको बताएंगे कि कैसा पहनना है सबको यहाँ पर बर्थडे के दिन, और बर्थडे की थीम अभी तो रिटर्न गिफ्ट है, वो सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा बर्थडे तक, ऐसे ही शॉपिंग अभी कुछ ना कुछ लेने के लिए एवरी डे जाएंगे कि चलो शॉर्ट्स लेना है ये वो। अभी क्या है बर्थडे के टाइम पे हम एवरी ईयर थोड़े ज़्यादा कपड़े ले लेते हैं, बाद में साल में ऐसे जाते आते कभी भी कुछ अच्छा लगे तो एक कपड़ा दो कपड़ा ऐसे लेके आते हैं, पर बर्थडे के टाइम पे एक साथ हम थोड़े कपड़े ले लेते हैं तो स्टॉक हो जाता है उसका कपड़े का। तो बस वही अभी ले लिया है बोसिनी से और LCY की से लिया है, बस दो और दूसरी कौन सी जगह से लिया दूसरी तो याद नहीं है, बस हाँ H&M से भी शॉर्ट लिया है। और अभी क्या है कि सब दुकान में 25 फील सभी देखता हो गया है, तो हमने एक ही बैग में LCY की में नहीं ले रहे पैसे, तो उसकी बैग बहुत ही अच्छी आती है तो उसमें ही सब डालते रहते थे। और बस अभी लास्ट बाद में हम दिखाएंगे सब, पूरी शॉपिंग हो जाएगी पूरा हो जाएगा बाद में, अभी कल भी अंकित की छुट्टी है तो देखते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए चले जाएंगे। और वही अभी प्लानिंग अभी स्टार्ट कर देंगे लेना और क्या करना है, तभी हम बर्थडे तक सब कुछ कर पाएंगे। और उसका भी वो थोड़ा चूजी है, उसको जल्दी से कुछ पसंद नहीं आता है, वो साथ में रहेगा तो अच्छा है वरना उसको पसंद नहीं आएगा। लेके आएंगे तो वो कितने कपड़े उसके ऐसे है, शर्ट है कितने सारे अच्छे अच्छे जो उसने पहने ही नहीं, एक एक बार पहन के ऐसे ही पड़े हैं, वो पहनता ही नहीं है, उसको जो भी अच्छा लगता है वो कैसा भी हो पहनता रहता है। पर जो नए कपड़े हैं उसको पसंद नहीं है, फुल स्लीव है वो सब ऐसे ही पड़े हैं, हम ज़बरदस्ती कभी कभी पहना देते हैं, तो यही चल रहा है। और हम भी आज बहुत ही थक गए, उसके पीछे भागना पड़ता है उसको, एक ही जगह उसने कपड़े अच्छे से पहन के घूम रहा था, वरना उसने पता है आपको कि उसने LCY के में उसने क्या पहना था, वो ही पहन के घूम रहा था, बाद में उसने दूसरे कपड़े नहीं पहने थे। तो बस वही अभी वो थक गया था, बाद में हम लोग चले आए और हम भी थक गए, अंकित भी सो गए वापस, और वो खेल रहा है अभी गेम खेल रहा है, अभी उसकी छुट्टी है, अभी भी दो दिन है बाकी, सैटरडे संडे मंडे से स्टार्ट होगी। तो चलिए आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और विराज के बर्थडे के दिन जितने भी लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उस सभी का थैंक यू, और सभी लोग विराज के बर्थडे के दिन विश कर देना, अभी तो बहुत टाइम है, तो अभी से मैं बोल के आप सभी को रखती हूँ कि आप लोग सब विश करना। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।